आगरा हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज चीन के राष्ट्रपति व चीन से निर्मित सामान का दहन किया। हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया गया, जिससे हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इसके विरोध में हिंदू कल्याण महासभा चीन के राष्ट्रपति का पुतला व चीन से निर्मित सामान का भी दहन कर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करती है। जी, मैं राजकुमार जाट, हिंदू कल्याण महासभा जिला अध्यक्ष आगरा। ये आज जो शी जिनपिंग ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी जो आर्मी वाले हैं उनके साथ धोखा, 20 सैनिकों को जो शहीद किया गया है उसके विरोध में हमने उसका पुतला फूंका है। और हम आज ये ऐलान करते हैं कि किसी भी चाइना प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न हिन्दुस्तान में होने देंगे। आज जो चाइना देश सन 50 से सन 62 से भारत के हृदय के अंदर खंजर घोंप रहा है, कल तक वो दोस्ती की बात करके मीटिंगें कर रहा है, कल हमारे देश के 20 जवान उन्होंने धोखे से मारे हैं। ये चाइना कहीं ना कहीं धोखेबाज, उनके राष्ट्रपति धोखेबाज, उनका जन जन धोखेबाज। चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो भारत के कारण 20% स्थिति संसार के अंदर है। अगर भारत देश उनके प्रोडक्ट को यूज ना करे, उसको बहिष्कार करे, तो चाइना की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर उनकी MG हेक्टर की कारें, बिनाली की मोटरसाइकिलें जो चल रही है, हिंदू कल्याण महासभा उसका घोर विरोध करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन देंगे कि भारत देश के अंदर वो कोई भी चाइना की गाड़ी, चाइना का मोबाइल, चाइना की मोटरसाइकिल नहीं चलने देंगे। और भारत का जन जन, 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश, जन जन मानव बम बनने को तैयार है, और वो मानव बम बन के चाइना के ऊपर गिरेगा, चाइना का नेस्त नबूद कर दिया जाएगा। अगर चाइना पे झगड़ा होता है तो क्या आप लोग चाइना जाने? हाँ, हम लोग चाइना जाकर मानव बम बनकर उनके चाइना के हर शहर में गिरने को तैयार हैं, चाइना का नेस्त नबूद करें।